खरगोन जिले के सेगांव में गत दिनों नगर के किसान हरीश पाठक ने नर्मदा मालवा बैंक मैनेजर योगेश गांधी पर अभद्र व्यवहार व कर्ज का ब्याज लेने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल ने हरीश पाठक के घर पहुंचकर उससे चर्चा कर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बना ली, लेकिन किसानों का 2 लाख का कर्ज आज तक माफ नहीं किया। वहीं बैंक अधिकारी किसानों से अभद्र व्यवहार कर कर्ज के ब्याज की वसूली कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों में सरकार के प्रति आक्रोश है और किसान जल्द ही सड़क पर उतरने वाले हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हरीश पाठक किसान हैं और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था चुनाव जीतने के लिए कि प्रत्येक किसान का 2 लाख रुपये का कर्जा माफ़, और ये ध्यान में आ रहा है कि कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलते आ रही है, हमेशा से लोगों को ठगने का काम किया है। जिस प्रकार से किसान का नाम ऋण माफ़ी की सूची में डाल दिया और उसके बाद भी उसके कर्जे का ब्याज सरकार के द्वारा वसूला जा रहा है, ये बिल्कुल अन्याय है। जब अगर किसान का नाम कर्ज माफ़ी की सूची में आ गया तो ब्याज का पैसा किस नाते, और इसलिए सरकार किसी तरह से इस प्रकार के हजारों किसान हैं जो प्रदेश में ब्याज के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, और कांग्रेस की सरकार का ये काला चेहरा नज़र आने लग गया कि वो किस प्रकार से किसानों से भी पैसा वसूल करने के लिए खड़ी है। मुझे बड़ा दुख है कि सरकार इन्होंने उस किसान के नाम पर बना ली, पर जो वादा किया है कम से कम आप 2 लाख रुपये तक का कर्जे की माफ़ की बात की थी। कई किसान ऐसे हैं जिनका 1 लाख 1.25 लाख रुपये कर्जा है, उनका भी कर्जा और वो ढंग से माफ़ नहीं कर पा रही है। तो इसे सरकार वास्तव में निकम्मी सरकार है, उसके पीछे बहुत सारा उनका मन खराब है और सरकार के खिलाफ किसानों में काफ़ी आक्रोश है, और ये आक्रोश कहीं के सड़क पर आने वाले